आपको। अब मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना, दो दो बच्चे हैं, उनकी फीस भी देनी है पढ़ने के लिए, दो बेटियां हैं शादी के लिए, एक बेटा है, एक भी गोली भी नहीं देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। 6500 रुपये सैलरी मेरे को पेंशन दे रही है। अब 6500 रुपये में पेट भरें या बच्चों को पढ़ाएं? अब चाय की दुकान भी खोलनी पड़ेगी, उस पर बोर्ड लगा दूंगा हरियाणा सरकार का, क्लास वन गजटेड अफसर चाय की रेड़ी पे चाय बेच रहा है। अब यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, कम से कम 600-700 रुपये दिहाड़ी तो मिलेगी। हम कौन सा यहाँ पे रजवाड़े से पैदा हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके अफसर बने थे, लेकिन सरकार ने जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं पे हमने वहीं पहुँचा दिया इसने। और ये बीजेपी की सरकार जो है ये सिर्फ पूंजीपतियों के खाते भरने के लिए है। खट्टर साहब बोलते हैं मैंने बड़ी लावणी करी है, बड़ी ये करी है, जरा कदे पेंशन छोड़ेगा क्या हरियाणा राज्य की? इसको उसको इतनी चिंता है, हरियाणा राज्य की उसको चिंता है कि 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। और अभी बोल रहे हैं पिछले 3 महीने में हरियाणा ने 7500 करोड़ रुपया GST का इकट्ठा किया है। एक तरफ से तो दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं। ये दो दो स्टेटमेंट क्या है? MP को, MLA को 4-4 बार की पेंशन, और हमने अपनी सारी जिंदगी दे दी 58 साल तक सरकार को, एक पेंशन देने में भी उसका दिवालिया होने पे आ जाएगी। ये बीजेपी के नए कंसेप्ट आ गए हैं, सिर्फ बेवकूफ बना रही है देश की जनता को। और दोबारा अब लोगों सचेत हो जाओ, वोट की चोट दे दो इनको। जब तक वोट की चोट नहीं दोगे तो ये सुधरेंगे नहीं। कांग्रेस तो इससे लाख दर्जे अच्छे है, कम से कम मुलाजमों के ऊपर उन्होंने अपना हथौड़ा तो नहीं चलाया। अपनी तिजोरियां भर लो और देश के नागरिकों को कर दो कमजोर। हमने जहां से जिंदगी शुरुआत करी थी वहीं पे आके पहुंच गए। अब क्लास वन गजटेड अफसर है, अब बुढ़ापे में वकालत करेंगे तो वकालत करने में तो 10 साल दोबारा फिर शुरुआत करनी पड़ेगी वहीं से। 6500 रुपये में अगर मैं बीमार हो गया तो इन्होंने आयुष्मान में भी नहीं आएंगे हम, तो पीले कार्ड भी नहीं बनेंगे हमारे, तो हम कहां जाएं।